हेलो स्टूडेंट्स, तो फाइनली हम लोग आज लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का। हमारा चैप्टर कौन चल रहा था? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में, जो कि फोर्थ लेक्चर था, हम लोगों ने पढ़ा था मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन एंड मैनेजमेंट एज साइंस। पुराने वीडियोस देख लो ताकि कंसेप्ट और क्लियर होता जाए। आज हम लोग लास्ट एंड फाइनल टॉपिक पढ़ेंगे और ये टॉपिक बहुत इजी है। इसकी एक केस स्टडी के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसको कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। सर, टॉपिक का नाम तो बताओ। टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन। नाम से समझ में आ रहा होगा, कोऑर्डिनेशन। सब मिलकर काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको इजी तरीके से समझाता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल के थ्रू देखो, एक सोसाइटी है, खालसा सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी? खालसा सोसाइटी। वहाँ पर एक बार गणेश उत्सव मनाया गया, गणेश का इवेंट मनाया गया, गणेश चतुर्थी। तो वहाँ पर टोटल 10 लोग थे। ये देखो, एक पहले एक ग्रुप में 3 जने फाइनेंस डिपार्टमेंट, फिर परचेज डिपार्टमेंट, उसमें भी कितने जने बच्चों? 3। फिर कौन सा डिपार्टमेंट? मार्केटिंग डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट? मार्केटिंग डिपार्टमेंट। टोटल 10 लोग थे और 3 ग्रुप को बना दिया, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ये जो खालसा सोसाइटी थी, इन्होंने बजट बना के रखा था कि हम लोग जो गणेश उत्सव मनाएंगे उसमें 1 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। 1 लाख रुपये तक ही खर्च करना है, उससे ज़्यादा खर्च नहीं करना, ठीक है सर? लेकिन 1 लाख की जगह 1.5 लाख खर्च हो गए। 1 लाख का बजट बनाया और 1.5 लाख रुपए खर्च हो गए, ठीक है? अब सबसे पहले सारे के सारे जो लोगों ने पूछा, जो सारे मेंबर्स थे, उन्होंने डिस्कस किया इस इशू के बारे में, तो सब सारे के सारे लोग बोलने लग गए कि गलती फाइनेंस डिपार्टमेंट की है। फाइनेंस डिपार्टमेंट की गलती की वजह से 1 लाख रुपये के बजाय 1.5 लाख रुपये का खर्चा हो रहा है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बोला, मेरी गलती थोड़ी है भाई। उन्होंने सारा ब्लेम परचेज डिपार्टमेंट के ऊपर डाल दिया, ठीक है? परचेज डिपार्टमेंट ने बोला, मेरा थोड़ी फॉल्ट है, सारा फॉल्ट तो किसका है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट का। अब देखो यार, क्या हो क्या रहा है। अब सर, एक के ऊपर इल्ज़ाम डाल रहे हैं, तो अपनी गलती एक्सेप्ट करने के बजाय सारी की सारी जो बर्डन है वो दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर डाल रहे हैं। सही है कि गलत है? गलत है ना। यानी आप लोग एक चीज़ नोटिस करो बच्चों, एक चीज़ नोटिस करो कि सर इनमें किस चीज़ की कमी है, क्या लैक हो रहा है। सर, इनमें लैक हो रहा है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्या हो रहा है? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। इज दैट क्लियर? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। मेरी बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से? बहुत बढ़िया। देखो, कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग मिलकर काम नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए हार्मफुल तो होगा ही सही, तुम्हारा पर्सनली वो बहुत अटैक करेगा ही करेगा, साथ में पूरा ऑर्गेनाइजेशन को भी वो क्या कर देगा, पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। तो देखो, क्या कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने बेसिक कोऑर्डिनेशन के बारे में, कि सर कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एसेंस होता है। एसेंस मतलब सार बोलते हैं हिंदी में एसेंस का। भाई, कोऑर्डिनेशन के बिना कोई भी बड़े बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकते, यानी जनरली एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता। कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर क्या लिखा हुआ है? कोऑर्डिनेशन सारे इंडिविजुअल एफर्ट्स को हार्मोनी करता है। हार्मोनी, इंडिविजुअल एफर्ट्स, सब मिलकर काम करें। हार्मोनी, भाईचारा, मिलकर काम करें। कोई अलग नहीं है भाई, सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, कॉपरेट करके काम करें। इज दैट क्लियर? और इससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन से क्या होता है, एक तो ये ग्रुप गोल्स को अचीव करवाता है, साथ में ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भी क्या करता है, अचीव करता है। ग्रुप यानी डिपार्टमेंट के गोल्स को भी अचीव करता है, साथ में पूरे कंपनी, पूरे ऑर्गेनाइजेशन, उनके जो गोल्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं बेटा, फुलफिल हो जाते हैं। आई बात समझ में? कितना इजी टॉपिक चल रहा है यार, बहुत इजी सर, बहुत ज़्यादा इजी। आ रही बात समझ में? गुड। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फीचर्स, नेचर एंड एलिमेंट्स। फीचर्स बोल दो, नेचर बोल दो, एलिमेंट्स बोल दो, एक ही बात है। कोऑर्डिनेशन के, तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? इंटीग्रेट करता है। क्या करता है? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट यानी सबको यूनाइट करना, ये रहा इंटीग्रेट, सबको यूनाइट करना कि
कि यार कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना वो अपने लिए काम करते हैं जो कि सही नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, सबको यूनाइटेड यूनाइट करता है। यूनाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग यूनाइट नहीं होंगे तो हम लोग अपना कभी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। और दो वर्ड्स वापस आ गए, इफेक्टिवनेस एंड एफिशेंटली। ये दो वर्ड्स आपको दो तो रट्टा पढ़ ही गया होगा अब तो। उसके बाद है, अब बेसिक बेसिक पॉइंट्स आएंगे। कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब एक बाइंडिंग फोर्स। अगर मैं ये बोल दूं कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉयज़ को इस साल ये टारगेट अचीव करना है, तो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ क्या हो जाएंगे, बाउंड हो जाएंगे कि हाँ यार हमें कंपनी के लिए अचीव कर रहे हैं, और हमको हमारी जो दुश्मनी है जिस भी एम्प्लॉय के साथ, हम लोग को उसको इग्नोर करना है और हमें अपने कंपनी के टारगेट को क्या करना है, अचीव करना है। आ रही बात समझ? एन अचीव टू टारगेट, इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट। एग्जाम्पल देख लो, टारगेट है 60, तीन पार्टनर है ए बी सी, मिल गया। अगर ये कोऑर्डिनेट होकर काम करेंगे तो 20 A बनाएगा, 20 B बनाएगा, 20 C बनाएगा, ठीक है बेटा। तो दो पॉइंट हो गए। तीसरा, कोऑर्डिनेशन सबकी जिम्मेदारी होती है, ऐसे नहीं कि एक की जिम्मेदारी। एप्लीकेबल टू ऑल लेवल्स, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो। ऐसे नहीं कि सिर्फ टॉप लेवल को कोऑर्डिनेशन करना है, सबको करना है भाई, सबकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब देखो, मैंने तुम लोग को फीचर्स पढ़ाए थे ना, किसके सर, मैनेजमेंट के। मैंने आपको ये वर्ड बताया था, परवेजिव यानी हर जगह एप्लीकेबल, चाहे बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो, इट इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर सर। ये बात समझ में आई? गुड। लास्ट ये भी बताया था मैंने, ये पॉइंट भी कई बार रिपीट होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस। ऐसे नहीं कोऑर्डिनेशन एक दिन का होता है, कोऑर्डिनेशन लाइफ टाइम के लिए होता है। और ऐसे नहीं कि एक बार किया जाता है, बार बार बार। पी चाहे प्लानिंग हो, पी फॉर प्लानिंग, वहाँ पर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, वहाँ पर भी ज़रूरत है कोऑर्डिनेशन की। एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, सी फॉर कंट्रोलिंग। हर जगह कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है भाई। अब मैं आपको एक केस स्टडी बताऊंगा कि कैसे एग्ज़ाम में केस स्टडी पुटअप की जाती है, किसकी, कोऑर्डिनेशन की, ताकि तुम्हारा थोड़ा कन्फ्यूज़न डाउन हो जाए, है ना बेटा। ओके देखो बेटा, ये केस स्टडी आ गई, देख रहा है कि अमर लिमिटेड है। कौन है बेटा? अमर लिमिटेड है, विच इज़ इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ कौन से गुड, इलेक्ट्रिकल गुड्स। ये दिख रहा है आपको, है ना। द कंपनी प्रॉफिट एंड मार्केट शेयर आर डिक्लाइनिंग, द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ब्लेम्स द मार्केट डिपार्टमेंट फॉर नॉट मीटिंग द सेल्स, एंड द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ब्लेम द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स विच आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, और कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं मिला। और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो दोनों के ऊपर, डिपार्टमेंट के ऊपर ब्लेम कर रहा है, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट तो और ख़तरनाक निकला। तो आपको इस केस स्टडी को पहले रीड करना है भी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी केस स्टडी समझ में आएगी। मैंने क्या बोला था, केस स्टडी को अगर प्रॉपर तरीके समझना है तो देखो उसका क्वेश्चन क्या पुटअप किया गया है। तो उसमें सर पुटअप किया गया है, व्हाट क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट डू यू थिंक द कंपनी इज, क्या लिखा हुआ है, लैकिंग। देख लो फर्स्ट क्वेश्चन, देख रहा है। यहाँ पर ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डू यू थिंक द कंपनी इज लैकिंग। तो बच्चों देख के ही आ रहा हूँ, क्योंकि मैं टॉपिक ही कोऑर्डिनेशन वाला पढ़ा रहा हूँ, तो तुम लोग को नेचुरल सी बातें समझ में आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस है ना। तो सर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर ब्लेम कर रहा है, तो उसका मतलब उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्या लिखेंगे, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। उसके दो फीचर्स आपको लिखने हैं, जो मैंने आपको अभी एलिमेंट्स पढ़ाए, नेचर पढ़ाया, फीचर पढ़ाया, बात एक ही है। और आपसे एक और चीज़ पूछा गया कि वैल्यूज़ क्या इग्नोर की है। वैल्यूज़ अपने मन से लिखनी, जो आपको केस स्टडी समझ में आ रहे। सर एग्जांपल बताओ ना। देखो बेटा, हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर क्या कर रहा है, ब्लेम कर रहा है। तो मैं यहाँ पर एक वैल्यू बोल सकता हूँ कि लैक ऑफ कॉपरेशन, कॉपरेशन ही नहीं है, यूनिटी नहीं है, समझ में आ रही बात, फ्रेटर्निटी नहीं है। ये वैल्यूज़ होती है, अपनी मर्जी से आपको ऐसे वर्ड्स सोचने, केस स्टडी को ऑब्जर्व करना है और अपने मन से ही कुछ दो या तीन वैल्यूज जो आपको समझ में है वो लिखना है। अरे बस समझ में। तो ये था पूरा टॉपिक कोऑर्डिनेशन का, एक सिंपल सा केस। मैं अभी केस स्टडी और अच्छी तरह से समझाऊंगा अभी, लेकिन एक एक ये आपको सैम्पल था। इज डेट क्लियर, बात समझ में आ गई? तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है
नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैं और भी आगे ऐसे चैप्टर्स लेकर आऊँगा जिसके थ्रू आपकी क्लैरिटी और बढ़ती जाए। एक लेक्चर मैं केस स्टडीज़ के ऊपर ही बनाऊँगा कि कैसे केस स्टडीज़ को सॉल्व किया जाता है, ठीक है? तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और मैं और वीडियोस मैं लेकर आऊँगा बहुत जल्द। अभी आप इन वीडियोस को देखो, शेयर करो, और कोई डाउट है तो मैं आपको एक नंबर बहुत जल्द प्रोवाइड करवाऊँगा जिसके थ्रू आप व्हाट्सएप पे मुझसे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है? गुड।